प्यारे छात्रों, मैं संजय कुमार प्रजापति पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज से ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 14 महाशय सूत्र के बारे में बता चुका हूं कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। महाशय सूत्र किसे कहते हैं, इसके विषय में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें जाननी जरूरी है। ये 14 महाशय सूत्र में सबसे पहले अयव से लेकर के अयव तक स्वर है, उसके बाद अंतस व्यंजन है, उसके बाद पंचमा अक्षर है, पंचम वर्ण है, उसके बाद चतुर्थ वर्ण है, उसके बाद तृतीय वर्ण है, उसके बाद द्वितीय वर्ण है, उसके बाद प्रथम वर्ण है, उसके बाद उष्म व्यंजन है, उष्म वर्ण। आप देख रहे हैं इन सूत्रों के अंत में, इन 14 सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण है, जो व्यंजन हलंत है, इन्हें क्या कहते हैं, इति कहते हैं। एताम अंत्य आयतः, यानी इनके अंत में इत है, यानी कि कितने संख्यक वर्ण हो गए, 14। 14 सूत्र है, इस संख्यक वर्ण कितने हुए, 14 हुए। इत को अनुबंध भी कहते हैं, इत और अनुबंध दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है, लेकिन प्रत्याहार के अंतर्गत इन संज्ञक वर्णों की गणना नहीं की जाती है। जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यानी अच प्रत्याहार 4 सूत्रों से बना है, किन सूत्रों से, आयुड़ ऋणिका एवं अयोच, इन 4 सूत्रों से बना है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन है, तो हमने बताया कि इन संज्ञक वर्णों की गणना प्रत्याहार में नहीं की जाती है, तो क्या हो गए, अ ई उ, देखे वहां री री ए ओ आई औ, देख रहे हैं ये 9 वर्ण है जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इनमें एक संज्ञक वर्णों की गणना नहीं की गई है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, यानी उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे आयुर्वेद और ऋण में क,